एवरीवन, आज के हमारे क्लास में हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर 11th बुक। ओके, सो ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमको हेल्पफुल होंगे कि आगे आप जब जो केमिस्ट्री पढ़ोगे इन योर 11th एंड द 12th क्लास, सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बहुत सी बातें आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और बहुत सी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या हम केमिस्ट्री से रिलेटेड इन टर्म्स की बात करते हैं, जैसे एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है ना, तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं या कैसे सिस्टमेटिकली इनको हम समझे, है ना। तो इसका पहले जो वर्ड हमको यहाँ समझना है, दैट इज मैटर। मैटर मीन्स सब्सटेंस, है ना। सभी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब्सटेंसेस है। और ये सब्सटेंसेस, ये मैटर कैसे क्लासिफाई होते हैं, देखिए इनका क्लासिफिकेशन हम सिंपली कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस एज वेल एज मिक्सचर्स। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? हम प्योर सब्सटेंसेस किनको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कंपेरेटिवली दो वर्ड, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होगा। ओके, डेफिनेट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इज डेफिनेट। ओके, मैं यहाँ इसको कंपोजिशन कर देती हूँ। ओके, सो केमिकल कंपोजिशन इज डेफिनेट फॉर प्योर सब्सटेंसेस। अब कंपोजिशन, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि केमिकल कंपोजिशन मतलब अब हमारे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, केमिकल कंपोजिशन में जैसे आपने एलिमेंट सुना है या हमने कंपाउंड सुना है, आप मेटल सुनते हो, तो जब ऑक्सीजन, अगर जैसे हम एलिमेंट में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हैज अ फिक्स केमिकल कंपोजिशन, ओ टू। नेचर में हमको ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, वो किस फॉर्म में होता है, ओ टू ऑक्सीजन है, सो इट इज प्योर सब्सटेंस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, जैसे N2 है, तो प्योर सब्सटेंस। तो एक फिक्स प्रपोर्शन में जो प्रेजेंट है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर इज इन फिक्स केमिकल कंपोजिशन, सो इट इज H2O। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। आगे इसको और भी क्लासिफाई करेंगे हम। मिक्सचर्स क्या होंगे यहाँ पर, देखिए मिक्सचर को, अब जैसे वर्ड है ना मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स डेफिनेटली यहाँ पर कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। जो प्रपोर्शन होता है दो दो सब्सटेंस जिनको आप मिक्स कर रहे हो, दीज टू सब्सटेंसेस आर नॉट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, एज वेल एज दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टी, ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर मिक्सचर्स। अगेन दिस प्योर सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड इन टू एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट, व्हाट आर एलिमेंट्स, कैसे डिफाइन किया है हमने एलिमेंट को, पहले भी आप इस टर्म को सुन चुके हैं, है ना, काफी बार हम एलिमेंट सुनते हैं। सो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डनरी मीन। तो हम यहाँ क्या क्या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ थोड़ा लिख कर रख सकते हैं कि दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंस, कैन नॉट ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट का, तो अभी अभी आपको बताया है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्या है, ओ टू है, इसका ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इसको ब्रेक करके कोई और दूसरा सब्सटेंस मिल सकता है, नहीं मिलेगा ना, इसका फिर से आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज एलिमेंट। ओके, सो डेफिनेशन इज एलिमेंट दैट आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंसेस बाय
ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, हम किसी भी छोटे मोटे केमिकल चेंज से इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे अगर हम देखते हैं फिर इनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एलिमेंट्स के, और इसको हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स इनके और ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका फिर से क्लासिफिकेशन आप किया जा सकता है इंटू मेटल्स, इंटू नॉन मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, करेक्ट, मेटल्स नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटेलॉइड्स। ना व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स बोलते ही कौन सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान आती है? सभी को ये पता है मेटल्स हैव लस्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, तो मेटल के बारे में क्या क्या बातें मैंने बताई है? मेटल्स दे हैव लस्टर, लस्टर का मीनिंग क्या होता है? शाइन, चमक। जैसे हम गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, तो इनमें आपको क्या मिलेगा? एक शाइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लस्टर्स। सेकंड थिंग, मेटल्स आर डक्टाइल एज वेल एज मैलिएबल। अब ये दो वर्ड का मीनिंग क्या है? डक्टाइल मैलिएबल। तो देखिए जब डक्टिलिटी क्या होती है, जब आप वायर को या मेटल को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर्स में उनका कन्वर्शन कर सकते हैं जिस मेटल का, उसको आप डक्टिलिटी बोलते हैं। और मैलिएबिलिटी क्या होती है? जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप थिन शीट्स में, है ना, रोल करके अगर आप उसको, जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, काफ़ी थिन भी होती है और बड़ी शीट्स होती है, तो जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आप शीट में कन्वर्शन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है। सो मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो सभी को पता है कि गुड कंडक्शन मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होंगी और हीट भी इनमें से पास होंगी। सो गुड कंडक्शन ये दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जनरल मेटल्स की। और अगर हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं या हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, दैट इज मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। आपने NaCl लास्ट ईयर 10th में समझा था, NaCl का प्रिपरेशन, तब आपको क्या बताया था? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर हम देखेंगे यहाँ। सेकेंड थिंग, नॉन मेटल्स। सो मेटल के अपोजिट अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो किसके अंडर आती है? नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, इनमें कोई लस्टर नहीं होता है, शाइन नहीं होता है नॉन मेटल्स में। देन नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल, इनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है। थर्ड चीज हम यहाँ बोल सकते हैं रिलेटेड टू नॉन मेटल, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट गुड कंडक्टर। ओके, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं। जैसे नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या आ सकता है? बहुत से नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें आप ग्लास देख सकते हैं, ग्रेफाइट देख सकते हैं, डायमंड। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ग्रेफाइट या डायमंड बोलूँगी तब ये एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, वो भी अभी हम देखेंगे। बट बहुत से जैसे आयोडीन है या नाइट्रोजन है या कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, वुड भी तो कार्बन ही है, तो ये नॉन मेटल्स में आता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और कार्बन इज नॉन मेटल। बट दीज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन मेटल्स कंडक्शन तो नहीं करते हैं, मैलिएबल डक्टाइल तो नहीं होते हैं, बट दीज आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है? ब्रिटल मीन्स, ये आपको पता है, ओके, ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स। अब हाँ, ब्रिटल का मीनिंग देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम किसी सब्सटेंस को शीट में ड्रॉन कर पा रहे हैं या वायर्स में ड्रॉन कर रहे हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी।
अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हम तो ये ब्रिटल है, मतलब अगर आप इसको हैमरिंग करके अगर आप इसको शीट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दैट इज द ब्रिटलनेस. ओके, सो सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर देयर, बट आउट ऑफ मेनी एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एक्सेप्शन. अब डायमंड को मैं क्यों एक्सेप्शन बोल रही हूँ, डायमंड तो सभी ने देखा है और हमको पता है कि डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है. डायमंड तो हमने मतलब ये तो पता ही है ना कि डायमंड शोज लस्टर, डायमंड में लस्टर है, बट डायमंड इज एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, ये मेटल नहीं है, सिर्फ कार्बन से बना है, तब भी डायमंड हैव लस्टर. सो दिस डायमंड इज एक्सेप्शन टू नॉन मेटल्स. सिमिलरली ग्रेफाइट अगर हम देखते हैं तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, ये दोनों सब्सटेंसेस सिर्फ कार्बन से बने हैं, इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वन हैव लस्टर वन डू नॉट हैव लस्टर, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज टू आर द एक्सेप्शन अंडर दिस नॉन मेटल, ये आपको ध्यान रखना है. और थर्ड जो यहाँ एक्सप्लेनेशन आता है वो है मेटेलॉइड से रिलेटेड. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स दीज आर एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की, इनके बीच अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, इनके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज आती है, मतलब कुछ समय कई बार ऐसा होता है ये सब्सटेंसेस एज ए मेटल एक्ट करेंगे, कभी ऐसा होता है कि एज ए नॉन मेटल एक्ट करेंगे, या कई बार हम इसको बोल सकते हैं कि सेमी मेटल हो सकते हैं, है ना. तो जब प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस के इन दोनों के बीच में आ रही है, दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में, एट दैट टाइम द सब्सटेंसेज आर मेटलॉइड्स. ओके, इसके एग्जाम्पल्स काफी सारे हैं जिसमें हम ले सकते हैं, अगर आप देखते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक इज मेटेलॉइड, सिलिकॉन इज मेटेलॉइड, समटाइम्स सिलिकॉन एक्ट एज मेटल समटाइम्स इट इज एक्ट एज ए नॉन मेटल, एंड जर्मेनियम ऑल्सो. ओके, सो जर्मेनियम भी आप यहाँ ले सकते हैं. सो ऑल दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विद द एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स क्या रहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनका क्लासिफिकेशन हम मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में कर रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने लिए. मेटल्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए, कार्बन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज आर नॉन मेटल्स. मेटेलॉइड्स आर्सेनिक जर्मेनियम सिलिकॉन आर मेटेलॉइड्स. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन दिस एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड. सो सी एलिमेंट्स आर व्हाट, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. ओके, इनको आप फिर से ब्रेक करके स्मॉल यूनिट्स में फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि अभी हमने देखा है, देखिए यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन में देखा है कि कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस, एंड दीज प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डनरी केमिकल चेंजेस, दीज आर कंपाउंड्स. ओके, सो अब कंपाउंड का डेफिनेशन यहाँ पर हम ले रहे हैं कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच आर ब्रोकन डाउन इंटू द सिंपल सब्सटेंसेज बाय ऑर्डनरी केमिकल चेंजेस. और एग्जाम्पल इसके हम कौन से ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल में हम अगर मैं लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल, सो वाटर मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड. अगर हम लेते हैं सपोज ग्लूकोज लिया, C6H12O6, ग्लूकोज इज अ कंपाउंड. देन इफ सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड. सो आप इसमें देखिए, एलिमेंट्स भी प्योर है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, लाइक ऑक्सीजन और द नाइट्रोजन और द हाइड्रोजन गैस. ओके, सो एलिमेंट्स आर इन मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, बट कंपाउंड्स आर द मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. सी, वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, अनदर इज ऑक्सीजन, यहाँ पर दो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं. वैसे यहाँ पर देखिए, वन इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन, वन इज ऑक्सीजन. सो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं, एट दैट टाइम द
सब्सटेंस इज कंपाउंड, अब आप इसको कंपाउंड बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम लेकर रिएक्शन देख रहे हैं और आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हो रहा है, करेक्ट? सो ये इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, है ना। व्हेन ओनली वन स्ट्रक्चर इज देयर, सिर्फ एक की जब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये H2O है, सो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो अब नेचर में जब हम देख रहे हैं कि पानी है हमारे पास, हमारे बॉटल में या हमारे ग्लास में पानी अभी भरा है, हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, सो ये कैसे बना है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस से पास आए हैं तभी ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप हमारा लिक्विड वाटर बनाते हैं, करेक्ट? सो ये चीज तो आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये खास चीज हमको ध्यान रखना है। वो सिंपल सब्सटेंस में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, मतलब उनका ब्रेकडाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, दैट इज ओके, दैट डेफिनेशन, बट आपको ये समझना है कि वॉट आर एलिमेंट्स एंड वॉट आर द कंपाउंड्स, ठीक है? सो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, बट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। आई ऑलरेडी डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी मैंने स्टेट ऑफ मैटर्स हमने पहले भी लिया है, बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने देखा है कि सॉलिड स्टेट इज देयर, लिक्विड स्टेट, देन गैशियस स्टेट। अब इनके इन तीनों स्टेट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज थ्री स्टेटेड, द डिफरेंस इज इन देयर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम देखते हैं सॉलिड, इनके फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली अरेंज है एज कंपेयर टू लिक्विड एज वेल एज कंपेयर टू गैस। बट आफ्टर हीटिंग, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं या उसका टेम्परेचर वहां इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस, ये आपको पता है। और गैस का अगर आप कंडेंसेशन करते हैं या गैस को आप कंडेंस कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो वो लिक्विड में हो सकता है, या लिक्विड का अगर आप कूलिंग कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, तो वो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स ऑल द दीज थ्री स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल विथ ईच अदर, ओके? सो ये सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये पार्ट आपका पहले हुआ है, एंड ये आप सभी जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज या इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सभी को पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस के। सो ये इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और इन नेक्स्ट का क्लास विल स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द SI यूनिट्स, ओके? सो थैंक यू वेरी मच। और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको एलिमेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके? डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू सो मच।